हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मा गुरुजी चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिलास क्रीम का रिव्यू। देखिए, पहले आता था मिलास क्रीम के नाम से, अब आता है मिलास अल्फा क्रीम के नाम से। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है गाइस। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें मिलास क्रीम क्या होता है, किसमें यूज करना होता है और इसका पूरा हम डिटेल नॉलेज देंगे। जैसे इसका कंपोजिशन हो गया, प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चर कौन किया है, साइड इफेक्ट क्या होता है, कैसे यूज करना है, उस कुछ प्रिकॉशन की बात करेंगे। और एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो एक लाइक कर देना है ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मिलास क्रीम देखिए, एक एली फार्मास्यूटिकल कंपनी का क्रीम है जो यूज किया जाता है पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट हैं, तो मिलास क्रीम को लगाने के बाद ही आपका कम हो जाता है। तो गाइस, अब इसकी हम देखिए कंपोजिशन की बात करेंगे। तो इसके में कंपोजिशन बेसिकली थ्री कंपोजिशन होता है, हाइड्रोक्यूनॉन, ट्रिटिनियन और मोमेटासोन। देखिए, हाइड्रोक्यूनॉन जो होता है क्या करता है, स्किन लाइटनिंग का क्रीम करता है। स्किन लाइटनिंग एक एजेंट है जो हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। और देखिए, जो ट्रिटिनॉइड होता है एक तरह का विटामिन होता है जो मुहासे वगैरह को रिमूव करता है, और मोमेटासोन एक स्टेरॉइड है। तो आइए इसको पहले सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गाइस। तो गाइस, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसको मिलेगा आपको एक यूजर गाइड, और ये 10 ग्राम का ट्यूब है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं 10 ग्राम का है। और गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 80 रुपये है। तो गाइस, और देखिए, इसको मैन्युफैक्चर किया है एली फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मिलास क्रीम एक ब्लैक स्पॉट, पिंपल, एक्ने, ये सारे स्किन से रिमूव करता है। और देखिए, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है गाइस, देखिए, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो स्किन पे रेडनेस भी आ सकता है, इरिटेशन होने लगता है स्किन पे। और देखिए, हम बता रहे हैं अब यूज करना कैसे, हाउ टू यूज। तो इसको यूज करने के लिए देखिए, अब पहले सबसे पहले आप रात में फेस को एक बार अच्छी तरीके से गुनगुने पानी से धुल लीजिए। उसके बाद स्किन को सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद कम से कम 2 मिनट हाथ पे लेके इसको मसाज कीजिए पूरे चेहरे पे। यही सबसे बढ़िया है यूज करने का। और एक बात और प्रिकॉशन हम इसका कुछ बता देते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं आई से, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो गाइस, साइड इफ़ेक्ट आपका कब होता है, देखिए, इस क्रीम को हम लोग ज़्यादातर रात में ही यूज करते हैं। बहुत लोग दिन में यूज कर लेते हैं तो गलत है, क्योंकि इस क्रीम को दिन में नहीं यूज करना होता। देखिए क्या होता है, अगर आप दिन में यूज करते हैं तो क्या होता है, सनलाइट से रिएक्ट कर लेता है। सनलाइट से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, आपके स्किन पर रेडनेस आने लगती है। और एक बात और, आप इसको ज़्यादातर ना यूज करें, नहीं तो आपका स्किन बर्न भी हो सकता है, तो उसी की वजह से रेडनेस वगैरह आते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती है स्किन रेडनेस वगैरह। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही आपको जानकारी देते रहे गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, फिर मेल आई डी पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए थैंक।